दो मिनट हम लेट हो गए हैं क्लास के अंदर, आई एम सॉरी। एक्चुअली सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था एकदम, मैंने मतलब पता नहीं चलते चलते वापस रीबूट हो गया, इसलिए दो मिनट हम लेट हो गए क्लास के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशनशिप, रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो आप देखो हमने क्या क्या अब तक कर लिया था। हमने जब हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जब ऑब्जर्वर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब हमारा स्पेस में वेरिएशन था, टाइम में वेरिएशन था, वेलोसिटी में वेरिएशन था, मास में वेरिएशन था। अब एनर्जी में क्या चेंज होगा हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि एनर्जी में क्या वेरिएशन आएगा, एनर्जी वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं। तो टॉपिक इज मास एनर्जी रिलेशनशिप, रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी रिलेशनशिप। इसको करने के लिए लेट अस अज्यूम कि मेरे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इस m मास के पार्टिकल के ऊपर मेरे पास में फोर्स f, f फोर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। जब मैं f फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो जो मास मेरा है, जो पार्टिकल है, स्टेशनरी पार्टिकल, ये क्या करेगा, मूव करेगा। आई थिंक क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि आज क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है, मेरी आंखें खराब हो गई। तो पार्टिकल मूव करेगा, पार्टिकल स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी v बराबर जीरो, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो पार्टिकल मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी v बराबर v के बराबर हो जाएगी। तो जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, जब पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन की इक्वेशन हमारी क्या होती है, वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज क्या होता है, एफ डॉट डी एस। अगर ये यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस डी एस चल रहा है तो वर्क डन क्या हो गया, यहां तक पार्टिकल पहुंचा तो एफ डॉट डी एस, ठीक है। देन इसकी लिमिट, टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, रीडेबल है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, फुल वर्क डन और कंप्लीट वर्क डन, वो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लेते हैं, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, क्लियर, यही होता है वर्क डन। नाउ अब मेरा जो फोर्स है, फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, जब मैं फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं किसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर, तो हमारा फोर्स क्या होता है, F बराबर एम ए। सो और आई कैन राइट इट, सिंस F बराबर होता है एम ए, और आई कैन राइट इट एम डी वी बाई डी टी, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। जो इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है वो एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास में टोटल वर्क डन जो आया वो वर्क डन मेरा मैं निकाल सकता हूं, वर्क डन W, और वर्क डन बेसिकली क्या होता है, उसकी एनर्जी, वर्क डन बेसिकली क्या है, कन्वर्ट वर्क डन क्या है, एनर्जी। तो इट इज एनर्जी E इज इक्वल टू किसके बराबर हुई, इंटीग्रेशन F मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई, सॉरी F की जगह क्या लिख दिया मैंने, एम ए या एम डी वी बाई डी टी, तो आई कैन राइट इट एम डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एस। वट इज डी एस, डी एस इज ए डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्टेंस है उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब तक जो करते थे उसी को मैं फिलहाल कर रहा हूं, मैं इसमें मेरे पास है कांस्टेंट क्या है, एम कांस्टेंट, तो एम को मैं बाहर लिख सकता हूं, देन आई कैन राइट इट एम इंटीग्रेशन डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एस, और आई कैन राइट इट एम इंटीग्रेशन, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, डी एस बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई dv। Now what is ds by dt? Is a velocity. Displacement per unit time, per unit change in rate of change in displacement with respect to time. That is velocity. So I can write it m integration v dv. And integration v dv is v square by 2. So ये हो गया मेरे पास में m v square by 2. अभी मैंने इस पर कहीं limit नहीं लगाई है, अब limit लगा लेते हैं। लिमिट क्या है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी वी आ रही है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हुई यहां पर, जीरो टू वी, जीरो टू वी।
तो जीरो टू वी जब लिमिट लगाएंगे तो हमारे इस वैल्यू के ऊपर क्या हो गया, जीरो टू वी, वी रखेंगे फिर जीरो रखेंगे, लोअर पहले अपर लिमिट रखा माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये मेरे पास में वैल्यू आ जाती है एनर्जी की, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल हमारा रुका हुआ था उसके उसकी जो जब उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज जो वर्क डन जो किया, व्हिच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्लियर? अब ये जो कुछ भी हमने किया है इसके अंदर हमने गलत कर दिया। क्या गलत कर लिया, आप इसको देख के इसको लिख भी लो और मुझे बता दो कि क्या मैंने गलत किया है। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्टिक, दैट इज जो पार्टिकल की वेलोसिटी है व्हिच इज नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी इज कंपेरेबल टू सी, तब ये चीज गलत हो रही है। क्या गलत हो रहा है आप इसको लिख लो, बाद में मुझे वापस बता दो। अवनि, ओके, आप इसको लिखो और बाद में मुझे बताओ कि हमने कुछ गलत किया है। लिख भी लो और मुझे बता दो। आई थिंक बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा, बिकॉज आज मुझे मेरी आंखें थोड़ी आज पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बोर्ड सही नहीं है। अदिति अवनी को कह दो मैंने उसको अलाउ कर दिया है, शी कैन ज्वाइन। इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद में मुझे बता दीजिए। ओके, शी ज्वाइन। नो सर इज ब्लर, मतलब ब्लर है या नहीं है? अगर ब्लर है तो फिर मुझे एक्चुअली क्या, इसको पूरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आज सिस्टम मेरा सही नहीं चल रहा और मैं नहीं चाह रहा हूं कि रिस्टार्ट के चक्कर में फालतू 5-7 मिनट और खराब हो जाए। मैंने ये जो किया है इसमें कुछ गलत भी किया है, आप इसको लिखो और चेक करो कि कहां क्या गलत हो रहा है। कुछ गलत तो हो रहा है, अदरवाइज ये रिलेशन इज गुड, इट इज रिलेशन इज गुड। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, कब होती है, जब पार्टिकल स्टेशनरी, पार्टिकल रुका हुआ और उस पार्टिकल ऊपर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही उससे जो वर्क डन हुआ, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट इज राइट, बट स्टिल इट इज अ रॉन्ग फॉर अस। क्या गलत है? ओके, नो ब्लर, ठीक है, क्लियर है, गुड। को लिखो बाद में, मास नॉट कांस्टेंट, दैट्स गुड। विकास बिल्कुल सही आंसर है, ये जो कुछ भी मैंने किया है इट इज अप टू राइट है। कब तक राइट है? व्हेन वी इज कांस्टेंट, सॉरी व्हेन मास इज कांस्टेंट, इट इज राइट फॉर व्हेन एम इज कांस्टेंट। And m constant कब होगा? When m is constant, when v is less than c, non-relativistic case में ये formula सही है। Non-relativistic case में ये formula बिल्कुल सही है जो हम standard काम में लेते हैं। Half m v square kinetic energy होती है, total energy particle की जो है वो kinetic energy के बराबर होगी जब आपका पार्टिकल स्टेशनरी है और जब आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन इट इज गुड। कहां पे? जब आपका मास कांस्टेंट है। यहां पर मैंने मास को कांस्टेंट लेकर इसको मैंने क्या लिया, बाहर निकाल लिया था, इंटीग्रेशन से मैंने बाहर निकाल लिया, तब ये बिल्कुल सही आ रहा है। कब हो रहा है ये? व्हेन वी इज वेरी वेरी लेस देन सी। अब हमारा केस ये है कि हमारा मास कांस्टेंट नहीं है एट रिलेटिविस्टिक स्पीड, at relativistic speed, what will happen? At relativistic speed, mass is not constant. Mass is not constant. It is function of mass. किसका function हो जाएगा? It is function of velocity. Mass velocity का function हो जाता है और
वो मास की वैल्यू क्या हो जाती है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती है। वेयर m नॉट इज अ रेस्ट मास, m इज नॉट अ रेस्ट मास, m नॉट इज अ रेस्ट मास, m नॉट इज रेस्ट मास, v पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमको मुझे इस m को रिप्लेस करना पड़ेगा इस वैल्यू से। सो यह हवाला पोर्शन साफ कर दूं या पहले आप पूरा लिख लो, बता दो मुझे क्या करना है। डन, ओके डन, ठीक है। तो अब मैं मास को कांस्टेंट नहीं ले सकता, जब मेरा मास कांस्टेंट नहीं है तब उस केस में मेरा इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन क्या हो गया, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, m की जगह लिखूंगा मैं m नॉट डिवाइड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहीं से ले लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय ds बाय dt तो था ही, अभी हमने जो लिखा था इसको v लिख दिया था, m को मैंने अंदर रखा हुआ है, then I can write it multiplied by v multiplied by dv and integration की limit 0 to v, ये integration की limit. Now I can take m not outside the integral, क्योंकि m not क्या है, मेरा rest part है, so m not को मैंने बाहर लिख दिया, I can write it m not integration 0 to v v divided by root 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डीवी। अब मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। वेल, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर, अदरवाइज मुझे तो करना ही है, आप लोग कर लेते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि देखो आज वाला मैंने रटा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि क्या करना है, मुझे आज वाले तो मुझे वास्तव में नहीं मालूम है मुझे करना क्या है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे, नीचे वाली जो रूट की वैल्यू है, लेट अस अज्यूम दिस वैल्यू इज t, कुछ भी ले लीजिए, t है, p है, q, q कुछ भी लेना ले लीजिए, देन आपको ये ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी, आप इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो जाएगी, यस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को t नहीं मानेंगे, इस पूरे को होल को वन माइनस वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर वन माइनस लेट t इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पूरे को ही, देन मेरे पास हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस टू वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर डीवी, देन आई कैन राइट इट सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ देन माइनस सी स्क्वायर बाई टू dt इज इक्वल टू वी डीवी, ये वैल्यू मैं यहां पे रख लेता हूं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहो तो आप भी कर लीजिए, ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो अब मेरे पास है, आप लोग ही सॉल्व कर लो ना थोड़ा सा, तो मेरे पास में मैं फिलहाल इंटीग्रेशन को ही सॉल्व कर रहा हूं, एम नॉट को यूं कहीं रख रहा हूं, फिलहाल मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं फिर आप एम नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटीग्रेशन जीरो टू वी v dv divide by root 1 minus v square by c square can be written as integration minus c square by 2, जो multiplier factor आ रहा है वो v dv की जगह हो गया dt आ जाएगा, so ये हुआ 1 by root t dt, integration की limit चाहो तो रख लो या फिर वापस हम t को जब ये value रखेंगे तब हम उसको हटा देंगे। तो अब इंटीग्रेशन वन बाय रूट एक्स कितना होता है मुझे तो याद नहीं, लिमिट चाहो तो चेंज कर लो बलवंत, नहीं करना चाहो तो हम वापस जब टी की वैल्यू को रखेंगे तब वापस हम वी वाली लिमिट को काम में ले सकते हैं,
क्या होता है इंटीग्रेशन 1/√t dt, बताओ भाई, आज मुझे याद नहीं है, इज 1/√t आई थिंक, क्या होगा, यस 1/√t, सही है 1/√t, दैट्स गुड, ठीक है। तो अब वापस t की मैं वैल्यू रख लेता हूं, व्हाट इज t, t इज 1 - v² / t² और ये 1/2 को मैं बाहर लिख लूं, देन आई कैन राइट इट माइनस c² / 4, 2 बाहर आ गया, 4 हो गया, और यहां हो गया मेरा रूट t की जगह 1 - v² / t². अब मैं लिमिट लगा लेता हूं, क्योंकि अब मैं वापस v में आ गया हूं, तो v की जो लिमिट है वो लगा लेता हूं 0 to v, क्लियर। तो मेरे पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, अपर लिमिट लगा लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास में -c² / 4 ब्रैकेट में √1 - v² / c² लोअर लिमिट लगा लेते हैं, तो v की जगह 0 होगा, 1 एज इट इज रहेगा, √1 and √1 is 1, दैट इज -1, ये मेरे पास में इंटीग्रेशन की वैल्यू आई। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को मैं वापस यहां पे रख लेता हूं, इक्वेशन नंबर दे दीजिए, मैं एक्चुअली थोड़ा कंजूस हूं, है ना, इक्वेशन नंबर नहीं दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इंटीग्रेशन की वैल्यू 3 इक्वेशन से मिल गई, तो e जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू हो जाएगा -m0c² / 4, ओके मैं माइनस आन भी अंदर ले लेता हूं, देन आई कैन राइट इट 1 - √1 - v² / c² आई कैन राइट दिस, कैन आई, हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कहां कट जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा क्या, 2 times h, एक सेकंड रुको, मुझे आप लोग कुछ मैसेज लिख रहे हो, ओके 2 ऊपर आएगा, लेट्स सी, मुझे याद नहीं है, मैं इसको चेक कर लेता हूं, जो मैं जानता हूं वो मैं जानता हूं कि x raise to power n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है x raise to power n plus 1 divided by n plus 1। अब हमारे पास में यहां पर दे रखा है x raise to power -half का इंटीग्रेशन dx, देन ये हो जाएगा x raise to power -half plus 1 divided by -half plus 1 विच इज इक्वल टू हो जाएगा √x/, नीचे वैल्यू हो गई हाफ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 root x हुआ, तो ये यहां पर मैंने गलत लिख दिया, यहां पर 2 multiply में हो रहा है, 2 multiply में हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज सिंपली c² - c² और यहां पर भी ये -c² है, देन यहां पर भी मैंने गलत लिख दिया, इट इज सिंपली -c² और यहां पर भी मैंने गलत लिख दिया, इट इज सिंपली m0c², ये मेरे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है, लिख लीजिए। अब यूं करते हैं इसको, अब मैं इसको क्या करूं, अब आगे तो मैं भूल गया हूं, m0c² हो गया, देन तो अब मैं आगे क्या लिखूं, तो अब आगे मैं एम, चलो लिख लो इसको, मैं अब आगे वाला मुझे याद नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम मे बी यूज, नहीं बाइनोमियल थ्योरम वी कैन नॉट यूज एट दिस मोमेंट, बाइनोमियल थ्योरम को हम बाद में करेंगे, 1 cent क्या है, एलसीएम ऑफ सी स्क्वायर, नहीं नहीं एलसीएम ऑफ सी स्क्वायर भी नहीं करना है,
चलो याद तो है नहीं, कुछ करेंगे. सो आई कैन सिंपली राइट एम नॉट स्क्वायर, सी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन एम नॉट की वैल्यू को वापस रख लेते हैं. बोर्ड साफ कर दूं, लिख लिया. ओके सो आई कैन राइट, पहले मैं एक सेकंड रुको. ओके नाउ आई कैन डू वन थिंग. मेरे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी याद नहीं रखता हूं ना रटता हूं, तो मुझे स्टेप्स को नहीं मालूम है इसके बाद में क्या स्टेप आएगा. कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ही. तो हमारा लास्ट फॉर्मूला तो ये आ गया. अब इसमें थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं. आई कैन राइट इट E is equals to m not c square को मैं अंदर ले लेता हूं. Then I can write it m not c square minus m not c square root 1 minus v square by c square. m not c square को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ले लिया. Now since हमारे पास में है, since m is equals to होता है m not divide by root 1 minus v square by c square. So, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई अगर कर दू या हाँ, देन मेरे पास में m not की वैल्यू आ जाएगी एंड m not will be m multiplied by root 1 minus v square by c square. ये m not की वैल्यू मैं यहां पर रख लेता हूं. इस फर्स्ट की जगह नहीं, सेकंड की जगह मैं इस वैल्यू को रख रहा हूं. तब मेरे पास में एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू, या फर्स्ट की जगह रखूं, मुझे फर्स्ट की जगह रखना चाहिए, इसको फर्स्ट की जगह रखते हैं, इसको मैं फर्स्ट की जगह रखता हूं, नॉट सेकंड, फर्स्ट की जगह मैं इसको रख के देखता हूं. तो क्या कर लूंगा फिर, कुछ कर सकता हूं क्या, देखते हैं. याद रही है भाई, करते हैं. फर्स्ट की जगह मैंने ये वैल्यू रख ली, देन ये हो जाएगा m, m नॉट की जगह आ गया m रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. या इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करूं, बाइनोमियल एक्सपांशन करूं तो बाइनोमियल, एक सेकंड रुको, मैं इसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करता हूं तो 1 माइनस ये हो जाएगा रूट दिस और 1 माइनस, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तब तो हमारा वहां पर पहुंच जाएंगे हम, गलत जगह, मुझे वो नहीं करना है. मैं इसको ये लिख लेता हूं. नाउ अब मैं इसमें से इस चीज को कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर रूट ऑफ दिस. अब मैं क्या कर लूंगा, या इस एम नॉट की जगह मैं अगर ये वैल्यू रखता हूं तब मेरा काम होगा. रुको, मैं इस एम नॉट की जगह इस वैल्यू को लेता हूं, इस एम नॉट की, देन आई कैन राइट इट एम नॉट सी स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू मैंने यहां रखी, देन ये हुआ एम सी स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. देन आई कैन चेंज दिस, इसको मैं अंदर ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर माइनस 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 प्लस और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया एम वी स्क्वायर. ठीक है, यस. देन then I can do one thing. अब वापस मैं
एम नॉट की वैल्यू रखूं तो एम नॉट डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और इन दोनों में से मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लू माइनस गलत तो कर रहा हूं ये याद नहीं आ रहा है इस एम को यहां लिखूं एम की जगह वापस ये वैल्यू एम नॉट अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ठीक है फिर एम नॉट कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट वन माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस एम टी स्क्वायर देखो करते हैं भाई मुझे याद नहीं आ रहा है आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो बता दो यस क्या लिखा है आपने नहीं अनुनय वो नहीं कर सकते हैं हम v बराबर c नहीं रख सकते हैं फिलहाल हाँ 1 माइनस x रेज़ टू पावर को इसको अप्लाई कर लीजिए विकास इसको अभी हम 1 माइनस इसको अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा यूज बाइनोमियल थ्योरम देन नेगलेक्ट की हायर टर्म्स हो जाएगा नहीं हम उसको नहीं कर सकते हैं बलवंत हम उसको यू नहीं कर सकते हैं कि वो तो वो केस हो जाएगा व्हेन वी इज लेस लेस देन सी व्हेन वी इज लेस लेस देन सी अगर है तब मैं उसको वन माइनस इसको रूट हटा दीजिए वन से वन कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास में वापस वही फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का सी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के अंदर हम रिलेटिविस्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं व्हेन वी इज कंपेरेबल टू सी व्हेन वी इज कंपेरेबल टू सी तब हमको क्या करना है अब यहां मैं कुछ भूल रहा हूं मुझे बेसिकली मुझे क्या चाहिए मैं आपको बता दूं मुझे शायद हो गया है मैं यहीं पे इस चीज को कंफ्यूज हो रहा हूं ये हो गया है मुझे ये चाहिए दैट इज एनर्जी जो है इट इज ओके रुको 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 शायद हो गया है मुझे चाहिए फॉर्मूला एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर ये मुझे वैल्यू चाहिए ये मेरा रिजल्ट आएगा ठीक है अब ये रिजल्ट आया कैसे मतलब आएगा कहां से वो मुझे निकालना है मैं कहीं कुछ भूल रहा हूं कहीं कुछ मैं गलत कर रहा हूं हमारा साइन साइन तो हमने कहीं कोई गलत नहीं लिया था ये जब निकाला था तो कोई हमने माइनस साइन की तो गलत नहीं कर दिया अगर हमने माइनस साइन गलत किया तो उसको चेक कर लेना इसके अंदर कहीं माइनस साइन वाली तो गलती नहीं हुई है एंड सेकंड मेरे पास में मुझे ये वैल्यू चाहिए फाइनल रिजल्ट मुझे ये चाहिए m is equal to m not root 1 minus t square by c square cancel hua to ye hua ab if m ko agar main m not mein le m not root 1 minus t square by c square कुछ गलत कर रहा हूं मैं साइन की गलत है नो सर बट वी हैड मल्टीप्लाइड इनसाइड ओके साइन सही है कुछ गलत हो रहा मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा कुछ मेरा एक स्टेप छूट रहा है एम नॉट सी स्क्वायर मुझे ये वैल्यू चाहिए एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर दैट मीन्स मुझे बेसिकली इस फॉर्मूले में अब v स्क्वायर वाली जो टर्म है ना ये v स्क्वायर वाली टर्म को हटाना है और v स्क्वायर वाली टर्म हटेगी कहां से हटेगी मुझे एक सेकेंड v स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी v
वी स्क्वायर वाली टर्म हटेगी। आप एक बार वापस पूरा चेक करो, आपको खुद को लगेगा कुछ हम गलत कर रहे हैं, कहीं हमारा कुछ मिस्टेक हो गया है, कहीं हमारी मिस्टेक हो गया है, हमारी ये वी स्क्वायर वाली टर्म हटेगी। वी स्क्वायर वाली टर्म हटेगी और यहां पे साइन की प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज हमारा आंसर आ रखा है। ये वी स्क्वायर वाली टर्म हमारी हटेगी, हमने कहीं कुछ गलत किया है। याद ही नहीं आ रहा है, आप एक बार चेक कर सकते हो क्या? बाकी लोग बोलो, अवनी वेट, ठीक है, हिमांशी, प्राची, राजवीर, राजवीर तो उस समय तो बड़े लंबे चौड़े वो जय श्री राम और वो लिख रहे थे। अब बताओ ना, हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए, इस पर डिस्कशन करो। राम शरण, समृद्धि, शौर्य, विकास का तो जवाब आ रहा है। अदिति, अनिकेत, यस ट्राई करो, कुछ गलत कर रहे हैं हम, कुछ गलत हो रहा है। हाँ गलत क्या कर रहा हूं मैं, करो मैं वापस एक बार करने की कोशिश करता हूँ, रुको आप भी करो, मैं भी इसको कोशिश करता हूँ। I checked, but I get that we use binomial theorem, sir. अरे ले भाई, आप binomial कह रहे हो तो चलिए मैं binomial theorem को यहाँ पर use लेना है, binomial theorem को, let's use binomial theorem. Then I can write it. E is equals to m naught c square bracket में 1 minus, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus v square by c square raised to power 1 by 2, okay? Then using binomial expansion, then I can write it E is equals to m naught c square 1 minus, ये माइनस यहां से हट जाएगा, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, पावर अंदर आ गई, ये हो गया v square by 2 c square. Neglecting higher power सिर्फ तब कर सकते हैं जब neglecting higher power when v is less than c, हर केस में नहीं होगा, when v is less than c होगा तभी higher power neglect होगी, जब higher powers आप neglect कर दोगे तब क्या होगा, ये 1 से 1 cancel हो गया, तो हमारे पास में e is equals to हो गया m not c square से c square cancel हो जाएगा, ये हो जाएगा half m not v square, ये formula आ जाएगा, और ये formula हुआ non-relativistic केस, when that is v is less than c वाला केस, हमारा वो केस नहीं है। चेक योर नोट्स ऑन पेज 85 एंड 84, ओके चेक करता हूँ। मीटिंग क्लोज हो रही है, वैसे हमारा 40 मिनट का टाइम हो गया है, तो मैं इसको रीस्टार्ट भी करता हूँ मीटिंग को, और जो बलवंत मुझे बता रहा है मैं अपने नोट्स को भी चेक करता हूँ, तब तक आप भी इसको चेक करो, ठीक है, वापस कनेक्ट करता हूं मैं।